मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रदेश सरकार ने छात्रावासों और आश्रमों की स्थिति का जायजा लेने और उनमें सुधार की संभावनाओं को तलाशने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके लिए सरकार ने 13 IAS अधिकारियों की एक समिति गठित की है। खरगोन की कसरावद तहसील के छोटे से गांव सावंगी के मोइदे परिवार ने ब्रेन डेड बेटे के एक नहीं बल्कि 7 अंग दान कर दिए। ग्रेजुएशन के बाद 24 वर्षीय विशाल मोइदे के ख्वाब बड़े थे। UPSC की तैयारी कर रहे विशाल का सपना था कि वह कलेक्टर बने। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने राज्य सलाहकार के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए पत्र क्रमांक 19688 के द्वारा भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश अंतर्गत संविदा राज्य सलाहकार के कुल 15 रिक्त पदों की पूर्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से MP ऑनलाइन लिमिटेड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बीते जुलाई माह में प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है। जुलाई के 31 दिनों में 14.27 इंच पानी गिरा है। वहीं प्रदेश में अभी तक 18.8 इंच गिर चुका है, यानी 50.40% बारिश हो चुकी है। अगस्त में भी ऐसे ही बारिश की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नियाज खान ने चर्चित उपन्यास ब्राह्मण द गेट का दूसरा अध्याय लिखा है। उपन्यास को नाम दिया है वॉर अगेंस्ट कलयुग, एक सनातन राष्ट्र की परिकल्पना, या उनका 10वां उपन्यास है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सतना के चित्रकूट में लाडली बहना हितग्राही आभार उपहार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है गाना गाकर बहनों के प्रति अपना स्नेह व्यक्त किया। राजधानी भोपाल निषादपुरा क्षेत्र में रहने वाले 16 साल के अखिल बचपन से चलने में असमर्थ है, जिसे लेकर उनके परिवार वाले उम्मीद खो चुके थे कि अब वह कभी चल नहीं पाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश शासन के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण डाली है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके मुताबिक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ देने की तैयारी की जा रही है। दूसरी ओर इसी सरकार से जुड़े सैकड़ों कर्मचारी अपने अधिकार की राशि पाने के लिए भी परेशान हो रहे हैं। भोपाल की हुजूर विधानसभा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय नगरीय विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर कोलार की कलियासोत नदी को बारामासी बनाने के साथ साथ साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकसित करने एवं उनके घाटों को विकसित कर पर्यटन केंद्र बनाने की मांग को लेकर निवेदन पत्र सौंपा है। मध्य प्रदेश के किसानों की मूंग खरीदी को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है। जहां एक तरफ प्रदेश स्तर पर कांग्रेसी नेता किसानों की मूंग खरीदी का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में मध्य प्रदेश के किसानों का मुद्दा उठाया है।